हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, आज मैं आपके सामने जो है कुछ प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, विकास जो कि आपकी यूनिट वन है, अभिवृद्धि और विकास, तो यूनिट वन का आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और जिन बच्चों ने पीडीएफ ली है तो वहाँ से भी पढ़ लिया होगा, या फिर जिन बच्चों ने अपने खुद के नोट्स तैयार किए हैं, चाहे वो आरबीएससी से तैयार किए हैं, एनसीईआरटी से तैयार किए हैं, या आपने किसी कोचिंग से किया है, अब तक आपने यूनिट वन जो है वो क्लियर कर ली होगी। और विकास का चैप्टर जो है वो आपके सेकेंड ग्रेड में भी है, मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो में समझाया है वृद्धि और विकास के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, जहां पर आपका ये चैप्टर पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है वो मैं लेके आई हूँ जो कि आपके प्रीवियस पेपर से संबंधित है। कोई भी यूनिट आप पढ़ते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनको आप हल करके देखिए, जो भी पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न हम हल करेंगे, और आपको देखना है कि आप जो भी मैटर पढ़ रहे हो क्या वो सही है या नहीं है। यदि आप सॉल्व कर पाते हो तो बिल्कुल आपने जो नोट्स तैयार किए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। आरटेट 2012 में आया हुआ है, बीटेट 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन 50% बच्चे इन क्वेश्चन में भी जो है गलत हो जाते हैं जैसे ही ऑप्शन उनके सामने आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, एक दूसरे के विरोधी है, तो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी नहीं है। एक दूसरे के समान है, तो बिल्कुल समान तो नहीं है, क्योंकि वृद्धि जो है विकास का एक जो है पक्ष है, एक भाग है। विकास में ही वृद्धि जो है वह समाहित है, क्योंकि वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक पक्ष की बात करती है, और विकास जिसमें हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, जो भी पक्ष है सभी की बात करते हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो वृद्धि के बिना पूरी नहीं हो सकती है। तो एक दूसरे के पूरक हैं क्या या उपयुक्त सभी हैं, तो यहाँ वन और टू ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप गलत ही हो जाता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन टू देखिए, बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है, तो ये आरटेट 2011 में, 2013 में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, देखिए इतना आसान क्वेश्चन आया है। ऑप्शन देखिए वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है, या आर्थिक कारकों का है। तो बहुत अच्छे से ये चीज जो है वो मैंने आपको समझाई है कि बालक का जो विकास है, किसी भी बालक का जो डेवलपमेंट है वो किसका परिणाम होगा, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की अंतः क्रिया का होगा, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर थ्री है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो ये सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, और फोर है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ही टॉपिक जिसको आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, और फिर भी यदि आप यहाँ ऑप्शन में अटक रहे हैं तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मानव विकास को हम जो है बांटते हैं शारीरिक में, बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक ठीक है, संवेगात्मक ठीक है, और सामाजिक भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में देखिए आध्यात्मिक, ये क्षेत्र जो है गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में एक एक करके जो है इनको एलिमिनेट करते हुए जाएं। थर्ड ऑप्शन देखिए मनोवैज्ञानिक कोई क्षेत्र नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए यहां पर क्या समस्या है, आध्यात्मिक। तो यहां हमने मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया है वह है शारीरिक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है, और सामाजिक पक्ष है या क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट। क्वेश्चन फोर देखिए, मानव विकास होता है, ये फर्स्ट ग्रेड होम साइंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मानव विकास क्रमिक होता है, निरंतर होता है, व्यक्तिक होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो विकास जो है वह है व्यक्तिगत भी होता है, क्रमिक भी होता है, और लगातार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, मानव विकास होता है। क्वेश्चन वही है जो हमने क्वेश्चन फोर में देखा, ऑप्शन बदल गए सभी।
तो ये फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मानव विकास कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक अमापनीय होता है, या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? देखिए, हमने अभिवृद्धि और विकास दो चीजें पढ़ी। अभिवृद्धि, जहां मैंने आपको बात की, शारीरिक पक्ष की बात करता है, तो जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, तो वह कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, मात्रा जो होती है ना उसकी बात करता है, या हम कह सकते हैं परिमाणात्मक होता है। दूसरी तरफ गुणात्मक, गुणात्मक यानी कि विशेषताएं जो हैं उसकी बात करी जाती है, किसमें? विकास में। तो विकास गुणात्मक होता है, और साथ में विकास जो है वो मात्रात्मक भी होता है, क्योंकि शारीरिक पक्ष विकास में ही सम्मिलित है, तो विकास जो है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। तीसरा है, एक सीमा तक अमापनीय है, यानी कि एक सीमा तक तो हम माप सकते हैं, उसके बाद मापना संभव नहीं है। तो ये विशेषता किसकी है? अभिवृद्धि की है, ग्रोथ की है, यानी ग्रोथ जो है हम एक सीमा तक तो माप सकते हैं, किशोरावस्था के बाद में देखिए हाइट जो है वह नहीं बढ़ती है, ठीक है, इतनी नहीं बढ़ती है, जबकि उससे पहले हम देखते हैं कि शैशवावस्था जो है जब आती है, उसके बाद बाल्यावस्था बहुत अधिक तेज गति से बढ़ जाती है स्पीड हाइट की, ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में थोड़ी सी कम हो जाती है, किशोरावस्था में और भी अधिक तेज गति से बढ़ती है, तो हम उसको माप सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है नहीं बढ़ती है हाइट, तो एक सीमा तक जो है अमापनीय है अभिवृद्धि, ठीक है। विकास जो है वह तो निरंतर है, लगातार है। तो मानव विकास जो है कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। इसमें दोनों ही परिवर्तन जो हैं, चाहे गुणात्मक कहें, चाहे परिमाणात्मक कहें, चाहे मात्रात्मक कहें, दोनों परिवर्तन को ही सम्मिलित किया जाता है, और विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके रीट 2018 में आया हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन वन है, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित, या बेतरबीब ढंग से विकसित। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? तो ये कहां तक संबंधित है? यह एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। ये इसका आंसर जो है वह सही रहेगा। विकास कैसा परिवर्तन है? आरटेट या बीटेट 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हमने देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये विकास से संबंधित, कि विकास जो है परिवर्तन है, इससे संबंधित ऑप्शन अब भी बदल गए हैं। गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है और नकारात्मक है। तो बिल्कुल यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि यह जो है कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है। अब यहाँ पर मात्रात्मक शब्द नहीं है, तो ऑप्शन भी देख कर आंसर लगाना है, ठीक है, क्योंकि रचनात्मक तो नहीं है, गलत है ये, गणनात्मक भी नहीं है और नकारात्मक भी नहीं है। ऐसे में ऑप्शन जो है क्या रहेगा? गुणात्मक रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को देखकर जो है कई बार बच्चे बोल देते हैं कि आपने तो गुणात्मक के साथ जो है परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक जो है वह भी बताया था। अब जब ऑप्शन में ही नहीं है तो आप ध्यान से जो है ये देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? आरटेट 2012 में ये क्वेश्चन आया है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या क्या सही बात है। तो देख, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रारंभिक विकास जो है वो बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विकास यानी शैशवावस्था जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। अब ये जो है नहीं शब्द जोड़कर ये लाइन गलत कर दी। विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का क्या करना है? विकास करना है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर
थ्री इसका सही रहेगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विकास जो है प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी आज यदि किसी व्यक्ति का जो है हम कह दें कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसका हाथ जो है टूट गया है या पैर जो है वह टूट गया है और उसने जो है एक्सरे करवाया, तो उसको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में जो है क्या रिजल्ट इसका रहेगा, ठीक है, क्या इसके परिणाम निकलेंगे। बाल विकास का सही क्रम है, तो ये थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आया है 2012 में, ठीक है। तो देखिए थर्ड ग्रेड जो कि आप दोगे तो उसमें भी इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक वही रहता है, सारी चीजें वही रहती हैं। बाल विकास का सही क्रम क्या है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो हम ये चीजें अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले शैशवावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है और उसके बाद वृद्धावस्था आती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर जो है थोड़ा सा विवाद था, क्योंकि इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वह भी आपका सही है, ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। सेकेंड ऑप्शन तो सही ये भी है कि पूर्व किशोरावस्था के बाद मध्य किशोरावस्था और उसके बाद उत्तर किशोरावस्था, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही रहते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें जो है वो आपको बोनस मार्क्स जो है वह मिल जाता है, या फिर ये क्वेश्चन जो है वह ही गलत बाद में कर दिए जाते हैं, ठीक है। आपको तो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ऑप्शन जो है वो हम कैसे लगाएं। हमें पता है सबसे पहले शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है और प्रौढ़ावस्था है। तो इन्होंने सीक्वेंस जो है जिसमें शैशवावस्था जो है वह नहीं दिया है, उसके बाद का जो क्रम है वह दे दिया है, ठीक है। और ऊपर वाला जो ऑप्शन है वह भी बिल्कुल सही है। तो पूर्व किशोरावस्था की जो उम्र होती है, तो यहां पर 15-16 वर्ष का जो है लड़का या लड़की हो जाता है, ठीक है। मध्य किशोरावस्था जो है यहां 17 से 18 वर्ष तक का हो जाता है, और उत्तर किशोरावस्था जो है यहां पर बच्चा जो है 19-20 वर्ष का हो जाता है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन जो है थर्ड ग्रेड के एग्जाम में ही आया हुआ है 2013 में। स्टैनली हॉल, प्रियर, सैनन या वॉटसन? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? स्टैनली हॉल। तो देखिए अभिवृद्धि और विकास से जो है ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, ऑप्शन जो है वह फेर बदल करके दे दिए जाते हैं। आपको तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन जो है कैसा भी पूछ लें, ऑप्शन कैसे भी दे दें। तो चलिए यहाँ 10 क्वेश्चन जो है इनको देखिएगा, और इसके साथ ही जितनी भी यूनिट हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो आप उठाकर देखिए, वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, क्या हम उनको हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।